2 अक्टूबर 2014 से हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अनोखा पहल किया गया और उसके पहल के तहत महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक कदम स्वच्छता की ओर सारे देशवासियों को लेकर के जाने का प्रण लिए और गांव से लेकर के शहर के हर एक नागरिक को जगाने का प्रयास किया गया, उसे एक सही मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया कि एक कदम स्वच्छता की ओर यदि हम बढ़ें तो हर एक व्यक्ति के प्रयास से हमारा पूरा देश स्वच्छ हो सकता है, सुंदर हो सकता है। इसी पहल को लेकर के स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारा देश एक कदम आगे स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है। साथियों, इस मिशन में आप जानते हैं कि हमारा देश में गांव तक, गांव के नीचे जो तबके के स्तर हैं वहां तक जो है स्वच्छता में काफी सुधार देखने को मिला है। आप भी जानते हैं आपका भी जो गांव होगा वहां भी स्वच्छता को लेकर के बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप देखेंगे गांव में सबसे ज्यादा जो स्वच्छता का जरूरत होता है वो शौचालय को लेकर के होता है, क्योंकि गाँव के अधिकांश लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। लेकिन जिस समय से स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर आया है उस समय से आप देखेंगे तो गाँव के हर घर शौचालय का निर्माण हुआ है और शौचालय का निर्माण होने के बाद गांव के लोग खुले में शौच जाना छोड़ करके शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। साथियों, इसी को लेकर के आपके गांव में भी खुले में शौच मुक्त गांव का बोर्ड भी लगा होगा और वो बोर्ड भी लगना वाजिब है क्योंकि उस तरह से काम भी हुआ है। लेकिन क्या आपके गांव में अभी भी अधिकांश लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं या शौचालय का इस्तेमाल करते हैं? यह आपको भली भांति पता भी होगा। इसका कारण क्या है आप हमें बताइए कि क्या हो सकता है कि गांव के लोग आज भी शौचालय बनने के बाद भी शौचालय का इस्तेमाल ना के बराबर कर रहे हैं? कारण यहां पे बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आपका गांव का कारण क्या है ये कमेंट करके बताइएगा। साथियों, पहला चीज ये हो सकता है कि गांव के लोग उतना जागरूक नहीं हैं, उतना सजग नहीं हैं, उतना उनको पता नहीं है कि शौचालय का यूज करने से क्या होता है और खुले में शौच के लिए जाने से क्या क्या नुकसान होते हैं। दूसरा कारण आप कहेंगे कि गांव में शौचालय तो बना लेकिन उतने बेहतरीन तरीके से नहीं बना हुआ है, जर्जर कंडीशन में है, या फिर यूं कहें कि शौचालय सिर्फ बना दिया गया है दिखाने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए बना हुआ है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना हुआ है। तीसरा कारण हो सकता है साथियों कि आपके गांव में शौचालय तो बना लेकिन वो कुछ ही दिनों में टूट गया, धस गया, बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। चौथा कारण हो सकता है कि आपके गांव के अधिकांश लोग खुले में शौच करना ज्यादा अच्छा समझते हैं, उनको लगता है कि शौचालय का इस्तेमाल ना करके हम खुले में शौच करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा खुशी होगा। साथियों, इन सारे कारणों में से और भी बहुत सारा कारण हो सकता है जिसके तहत आपके गाँव के लोग शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां के अधिकांश लोग शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपका गांव किस प्रकार का है, आपके गांव के लोग कितना जागरूक हैं या फिर स्वच्छता को लेकर के कितना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ये आपको बताना है। साथियों, वहीं हम देखेंगे गांव से लेकर के शहर की ओर यदि हम बढ़ें तो शहर में भी अनेक प्रकार के पहल किए गए हैं जिसके तहत शहर भी स्वच्छ बन रहा है। स्मार्ट सिटी से पहले हमें स्मार्ट गांव चाहिए और स्मार्ट गांव तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ज्यों ही हमारा गांव स्मार्ट बनेगा वैसे ही हमारा शहर भी और हमारा देश भी स्मार्ट बनते हुए चला जाएगा। तो वो प्रयास नीचे तबके से करना होगा, गाँव से करना होगा और गाँव से वो प्रयास देखने को भी मिल रहा है। और आप साथियों जानते हैं कि जिस समय से ये मिशन का शुरुआत हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत हुआ है, उस समय से लेकर के हमारे देश में कितना ज्यादा स्वच्छता है, कितना ज्यादा स्वच्छ हुआ है, कितना लोग जागरूक हुए हैं, कितने लोग स्वस्थ हुए हैं, कितने सारे लोगों को बीमारियां नहीं हुआ है, कितने सारे लोग बीमार थे लेकिन वो स्वस्थ हुए हैं क्योंकि वातावरण भी स्वस्थ मिल जाता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल जाता है और इसके तहत गांव से लेकर के शहर के हर व्यक्ति खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप भी अपना एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने देश को स्वच्छ करने में अपना योगदान दीजिए। और 2 तारीख जब हम स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांधी जी के जयंती पर हम ये खुशी मना रहे हैं कि हमारा देश स्वच्छ बन रहा है, तो आप अपने आप से ये प्रश्न जरूर पूछिएगा कि स्वच्छ भारत मिशन में जो एक कदम स्वच्छता की ओर है उसमें आपका
योगदान क्या है, क्या आप कभी स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कुछ काम किए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं, गांव या शहर की सफाई के लिए आप अपना थोड़ा सा श्रमदान किए हैं, ये चीज़ें आपको खुद से पूछना है और कमेंट में बताना है कि हमारा प्रयास आज के बाद से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के क्या होने वाला है। हम और आप मिल करके यदि ये प्रण लें कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, तो साथियों देखते ही देखते हमारा गांव से लेकर के शहर और शहर से लेकर के पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।